वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम असीम कुमार मंडल एज अ फिजिक्स टीचर रिप्रेजेंटिंग शांतिपनी हायर सेकेंडरी स्कूल राजदा. स्टूडेंट, टुडे आई एम टेकिंग द अनदर टॉपिक रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर. टुडेज टॉपिक इस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन एच कॉमा आई कॉमा वी एंड डेल्टा डेल्टा थीटा लेमड़ा एनीथिंग. यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर सिलेबस. दैट मीन्स अ रेफरेंस बुक. सम रेफरेंस बुक यूज थीटा, सम रेफरेंस बुक यूज डेल्टा. ओके स्टूडेंट, सो टूडेज क्वेश्चन इस्टेब्लिश अ रिलेशन. पेपर में ये क्वेश्चन कैसे आएगा स्टूडेंट, इस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन एच आई वी एंड थीटा. ओके स्टूडेंट, व्हाट इज द मीन ऑफ द एच? एच दैट मीन्स अ हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. आई आई दैट मीन्स अ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. वी दैट मीन्स अ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. एंड डेल्टा थीटा दैट मीन्स अ एंगल ऑफ डी. ओके स्टूडेंट, फर्स्ट वन, व्हाट इज द मीन ऑफ द एच? एच एच रिप्रेजेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. ओके स्टूडेंट, फर्स्ट वन आई सॉरी वी दैट मीन्स अ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. आई दैट मीन्स अ रिजल्टेंट रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. एंड व्हाट इज द मीन ऑफ द थीटा? थीटा दैट मीन्स अ एंगल ऑफ डी. थीटा और डेल्टा बोथ आर सिमिलर. ओके स्टूडेंट, फर्स्ट वन, व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन? वी हैव टू एस्टेब्लिश दैट मीन्स अ ड्राइव अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच डिफाइंड अ वर्ड एच आई वी एंड थीटा. देखिए स्टूडेंट, ये आपके लिए बिल्कुल नया क्वेश्चन है, तो मैं आपको इसको प्रैक्टिकली समझाता हूँ. लेट वी कंसिडर दिस इज अ एनी बार मैग्नेट, जो आपने बचपन में बहुत बार देखा है. मान लीजिए किसी बार मैग्नेट को किसी एक थ्रेड से, ओके स्टूडेंट, धागा लिया हमने और उसको क्या कर रहे हैं, सरफेस से कनेक्ट कर रहे हैं और इसको हम सर बिल्कुल स्पेस में क्या कर देंगे, फ्री छोड़ देंगे. तो ये किसी ना किसी टाइम ड्यूरेशन के बाद कैसा हो जाएगा? रेस्ट में आ जाएगा. तो जब ये पर्टिकुलर रेस्ट में आता है तो इसमें थोड़ा सा बेंड हमको दिखता है. मतलब ये बिल्कुल ऐसा नहीं होगा पैरेलल टू अर्थ सरफेस, नहीं, थोड़ा सा ये क्या होगा, बेंड होगा. ओके स्टूडेंट, ध्यान से देखिए ये क्यों होता है. लेट वी कंसिडर दिस इज अ नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट एंड दिस इज अ साउथ पोल ऑफ बार मैग्नेट, या लेट वी कंसिडर दिस इज अ साउथ पोल ऑफ बार मैग्नेट एंड दिस इज अ नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट. सो देखिए, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट अ मैग्नेट. सो ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वी क्रिएट अ सम एंगल. दिस एंगल आर नोन एज एंगल ऑफ डी. ओके स्टूडेंट, आपको थोड़ा बहुत समझ आया, थोड़ा बहुत समझ नहीं आया तो देखिए, ये एक पर्टिकुलर रोड है जिसपे हमने फ्री हैंड किसी एक मैग्नेटिक नीडिल. व्हाट इज द मीन ऑफ द मैग्नेटिक नीडिल? मैग्नेटिक नीडिल इज अ सूटेबल एग्जाम्पल टू डिफाइंड अ प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट. सो मैग्नेटिक नीडिल नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल सो अट्रैक्ट बाय एनी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड हियर एंगल विद द हॉरिजेंटल कंपोनेंट विल बी इक्वल ऑफ डेल्टा. दिस एंगल आर नोन एज एंगल ऑफ डीप. एंगल ऑफ डीप ऑल्सो डिफाइंड बाय थीटा. स्टूडेंट, जैसा आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, अगर जो यहाँ पे थीटा लिखा है तो आप थीटा लिख दीजिएगा, डेल्टा लिखा तो डेल्टा लिख दीजिएगा, डिपेंड्स ऑन यू. ओके स्टूडेंट, what is the mean of the theta? Theta that means a angle of d. When any magnetic needle in a free position create a angle with the earth magnetic field, this type of angle with respect to horizontal component are known as angle of d represented by theta. Okay student, here horizontal component of earth magnetic field represented by capital H and V that means a vertical component of earth magnetic field. Result, जैसा कि आपने क्लास 10th से पढ़ा है, V is a directly proportional IR. कोई सा भी आपने करा होगा,
अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, या कभी भी आपने किसी भी चीज का ग्राफ देखा होगा, तो हमेशा और हमेशा रिजल्ट क्या होता है इन बिटवीन द कंपोनेंट। लेट बी कंसिडर दिस इज अ कैपिटल आई। व्हाट इज द मीन ऑफ द आई? आई दैट मीन्स अ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इट इज नॉट अ सिंबॉल फॉर अ करेंट। आई दैट मीन्स अ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक सॉरी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। द कंपोनेंट ऑफ आई डिवाइड इंटू कैपिटल एच एंड कैपिटल वी। कैपिटल एच दैट मीन्स अ हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, एंड वी दैट मीन्स अ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड मतलब कहीं ना कहीं ध्यान से देखिए स्टूडेंट, लेट बी कंसिडर दिस एंगल डिफाइंड बाई थीटा, सो दिस ऑलवेज विल बी इक्वल ऑफ आई कॉस थीटा। फर्स्ट वन इसको मैं कितना लिखूंगा, आई कॉस थीटा, एंड हियर वी डिफाइंड इन द फॉर्म आई साइन थीटा। वी नो दैट वेरी वेल, जिधर एंगल होगा उधर कॉस थीटा होगा, ऑपोजिट टू थीटा विल बी इक्वल ऑफ साइन थीटा। समझ आया सर? पहले आप इस डायग्राम को देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ एंगल ऑफ डीप को डिफाइंड कर रहा है। एंगल ऑफ डीप दैट मीन्स अ थीटा। व्हाट इज दिस? दिस इज अ एनएस। एनएस दैट मीन्स अ एनी मैग्नेटिक नीडल क्रिएट सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर नोन एज एंगल ऑफ डीप रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। ओके स्टूडेंट, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस इज अ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। हॉरिजेंटल कंपोनेंट कैपिटल एच विल बी इक्वल ऑफ आई कॉस थीटा। आई दैट मीन्स अ रिजल्टेंट एंड एंगल थीटा, सो हियर वी डिफाइंड आई कॉस थीटा, हियर वी डिफाइंड आई साइन थीटा। ओके स्टूडेंट, नाउ ठीक है। डायग्राम डायग्राम क्यों? क्योंकि मुझे डेरिवेशन करना विच डिफाइंड अ रिलेशन बिटवीन द एच आई वी एंड थीटा। तो डायग्राम बिल्कुल इसके सिमिलर है ठीक है। एन एस इज आ एनी मैग्नेटिक नीडल विच कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट, फर्स्ट वन हॉरिजेंटल कंपोनेंट, सेकेंड वन इज द वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजेंटल कंपोनेंट अगर जो इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करें स्टूडेंट, तो यहाँ पर कितना होगा, आई कॉस थीटा, एंड हियर वी डिफाइंड आई साइन थीटा, बिकॉज रिजल्ट विल बी इक्वल ऑफ कैपिटल आई। ओके स्टूडेंट, सो अकॉर्डिंग टू फिगर वी कैन से हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट वन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विल बी कैपिटल एच इक्वल टू आई cos थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके स्टूडेंट, एंड हियर वी डिफाइंड वी। व्हाट इज द मीन ऑफ द वी? वी दैट मीन्स अ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। वर्टिकल कंपोनेंट दैट मीन्स अ वी विल बी इक्वल ऑफ आई साइन थीटा, इक्वेशन नंबर टू। ओके स्टूडेंट, आपको इतना समझ आया व्हाट इज द मीन ऑफ द एच एंड व्हाट इज द मीन ऑफ द वी? एच दैट मीन्स अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी इक्वल ऑफ आई कॉस थीटा, एंड वर्टिकल कंपोनेंट विल बी इक्वल ऑफ आई साइन थीटा। सो इक्वेशन बाय यूज ऑफ द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, इफ सेकेंड डिवाइड बाय फर्स्ट, एल एच एस विल बी डिवाइड बाय एल एच एस, एंड आर एच एस विल बी डिवाइड बाई आर एच एस। ओके स्टूडेंट, आई साइन थीटा डिवाइड बाय आई कॉस थीटा, सो फाइनली वी गेटिंग वी बाय एच इक्वल टू आई विल बी कैंसल बाय आई, सो साइन थीटा बाय कॉस थीटा। व्हाट इज द मीन ऑफ द साइन थीटा बाय कॉस थीटा? वी नो दैट वेरी वेल, टेन थीटा इक्वल टू वी बाय एच, सच दैट थीटा इक्वल टू tan इनवर्स वी बाय एच। ओके स्टूडेंट, दिस इज अ फाइनल एक्सप्रेशन विच डिफाइंड अ रिलेशन बिटवीन वी एच एंड थीटा। ध्यान से देखिए, वी एच एंड थीटा, इसमें आई आ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं ठीक है। ये डेरिवेशन का फर्स्ट पार्ट है। नाउ अगेन बाय यूज ऑफ द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, अगेन बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड,
देखिए दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर रहे हैं, एडिंग एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 आफ्टर आफ्टर स्क्वेयरिंग। ओके स्टूडेंट, वी एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 आफ्टर स्क्वेयरिंग। सो एलएचएस विल बी एडेड विथ एलएचएस एंड आरएचएस। द स्क्वेयर ऑफ आर एच एस विल बी इक्वल ऑफ आई स्क्वेयर कॉस थीटा प्लस आई स्क्वेयर साइन थीटा। सो फाइनली स्टूडेंट, हियर एच स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर इक्वल टू आई स्क्वेयर इज अ कॉमन फैक्टर। सो वी टेकिंग कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा इन साइड ऑफ ब्रेकेट। वी नो दैट वेरी वेल, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा विल बी इक्विवेलेंट ऑफ 1। सो 1 इंटू आई स्क्वेयर विल बी इक्वल ऑफ आई स्क्वेयर एच स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर। बट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आई, आई इक्वल टू अंडर द रूट एच स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर। ओके स्टूडेंट, एक्सप्रेशन नंबर फर्स्ट, डिफाइन द रिलेशन बिटवीन द वी एच एंड थीटा, एंड दिस एक्सप्रेशन डिफाइन द रिलेशन बिटवीन एच वी एंड आई। सो स्टूडेंट, एक्सप्रेशन नंबर 1 एंड एक्सप्रेशन नंबर 2 इज अ कंबाइंड सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। इस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन एच वी आई एंड थीटा। ओके स्टूडेंट, वी गेटिंग द टू टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन। फर्स्ट वन वी बाय एच विल बी इक्वल ऑफ टेन थीटा, एंड सेकेंड वन विल बी इक्वल ऑफ आई इक्वल टू अंडर द रूट एच स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर। ओके स्टूडेंट, नाउ वी डिफाइंड द सम डिफरेंट केसेस। केस नंबर फर्स्ट, वेन थीटा विल बी इक्वल ऑफ 0 डिग्री। केस नंबर टू, वेन थीटा विल बी इक्वल ऑफ 45 डिग्री। एंड लास्ट केस, केस नंबर थ्री, वेन थीटा will be equal of 90 degree. Okay student, when theta will be equal of 0, the value of v by h will be equal of 10 0. We know that very well, 0 1 0, that means our 10 0 will be equal of 0. V by h equal to 0 such that v will be equal of 0. Okay student, first one, when theta will be equal of 0, what is the mean of the theta will be equal of 0? ये position कहाँ पर होगी? Equatorial, that means a initial point. When theta will be equal of 0, we getting the value of vertical component. The value of vertical component will be equal of 0. फिर से देख लीजिए, we putting theta will be equal of 0, so 10 0, the value of 10 0 will be equivalent of 0. By cross multiply we getting the value of v will be equal of 0. Now we taking the another form, when theta will be equal of 45, that means at a middle form, that means a resultant theta will be equal of 45 degrees such that v by h will be equal of 10 45, and the value of 10 45 will be equal of 1. So v by h equal to 1 such that the value of vertical component will be equal of horizontal component of earth magnetic field. हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं एट थीटा विल बी इक्वल ऑफ 45 डिग्री, द वैल्यू ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल ऑफ वैल्यू ऑफ कंपोनेंट ऑफ ओरिजेंटल फील्ड। ओके स्टूडेंट, दैट मीन्स अ कंडीशन ऑफ बैलेंसिंग। नाउ फाइनली वी पुटिंग थीटा विल बी इक्वल ऑफ 90 डिग्री, 10 90 विल बी इक्वल ऑफ वी बाय एच। व्हाट इज द मीन ऑफ द 10 90? 10 90 will be equal of infinity, infinity equal to v by h. Student, v by h will be equal of infinity. What is the mean of the infinity? Mathematically, infinity defined by the 1 by 0. So finally v by h will be equal of 1 by 0. Cross multiply, then we getting the value of h equal to 0. Okay student, here we getting v equal to 0 and here we getting the h equal to 0. Initial time पर क्या होता है? Vertical component absent होता है और final point पे horizontal component absent होता है। Okay student, this is a final explanation related to derivation. What is the demand of the question? Establish a relation between the horizontal component, vertical component, intensity of magnetic field and angle of D.
ओके स्टूडेंट, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको ये डायग्राम बनाना है, ठीक है, आपको ये डेरिवेशन करना है और आपको ये डिफरेंट डिफरेंट केस करना है। अगर जो क्वेश्चन में पूछा जाए ऑल्सो डिफाइन द एंगल ऑफ डीप, दैट मीन्स यू हैव टू ड्रॉ दिस टाइप ऑफ डायग्राम। अगर जो प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझे तो ये क्या है इसको स्टूडेंट, दिस इज अ सर्कुलर स्केल। ओके स्टूडेंट, दिस इज अ सर्कुलर स्केल, स्टार्ट विद द इनिशियल पॉइंट, थीटा विल बी इक्वल ऑफ जीरो और धीरे 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 मुझे वैल्यूज मिलेगी 0 to 90। इसलिए हमने ये जो केस करा है इसमें सारी वैल्यू 0, 45, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री ही यूज कर सकते हैं, मोर देन 90 इज नॉट अलाउड। आई होप स्टूडेंट यू गेटिंग द प्रॉपर सॉल्यूशन रिलेटेड टू दिस डेरिवेशन। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस यूट्यूब चैनल ऑफ शांति बनी हायर सेकेंडरी स्कूल राजदा। क्या करेंगे स्टूडेंट, चैनल को लाइक करेंगे, फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड ऑल्सो स्टडी फ्रॉम आवर चैनल। थैंक यू सो मच।